सभी बच्चों को एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शॉर्ट्स की सीरीज चल रही है, तो एक फिर से एक नई शॉर्ट्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आदाब, अभिनंदन, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, और सभी का एक बार स्वागत है। आप पिछली जो सीरीज है वो आपने देखा होगा, और जिसने नहीं देखा है आई बटन पर एक तो आ जाएगा, और दूसरी बात है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया रहता है, प्लेलिस्ट आपके साथ साझा कर दी जाती है। और जो ये अपना चैनल जो टेलीग्राम चैनल है डियर लर्नर्स का, वहाँ आप लोग इसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पर बहुत ही अच्छी क्विज कराई जाती हैं, और वहाँ भी आप इसका लिंक पा सकते हैं। ये जो वीडियोज है वहाँ आप लिंक हर बार शेयर किया जाता है, तो वहाँ भी आप पा सकते हैं, समझ गए ना। बाकी अपनी तरफ से शेयर जरूर करें, आएँ लाइक करें ना करें, शेयर कर लें ताकि अपने आपसे जुड़े हुए आपके इस मित्रों का फ़ायदा हो जाए। और दूसरी बात है कि आप इसको पूरा वीडियो देख लें ताकि आप अपने जीवन में टीचिंग एग्जाम में टीचिंग के करियर में बहुत ही बेहतर कर पाएँ, इसलिए आपको देखना है बहुत ज़रूरी है। CDP शॉर्ट्स नाम की ये जो सीरीज है अनवरत रूप से चलती रहेगी, हम प्रयास तो बराबर कर रहे हैं कि अनवरत रूप से चलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं जो कि लिखा हुआ है। अब देखिए सिद्धांतों से संबंधित है, देखिए सिद्धांत अगर आप UPTET का, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर आप UPTET का पेपर देने जा रहे हैं प्यारे बच्चे, तो सिद्धांतों से संबंधित क्वेश्चन आपको 4 से 5 मिलेंगे। अगर आप CTET का प्रश्न पत्र देने जा रहे हैं तब भी आपको 2 से 3 प्रश्न पक्का मिलेंगे, क्योंकि पूरे CDP में, CDP कहें मनोविज्ञान कहें, पूरे के पूरे मनोविज्ञान में बहुत ज़्यादा संख्या रहती है किसकी, तो आप कहेंगे किसकी, तो बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है आने की सिद्धांतों के, क्योंकि बिना सिद्धांतों के कोई प्रश्न पत्र बनता ही नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, अब देखिए ये जो सिद्धांत है इसमें 3-4 लोग आते हैं, तो कौन कौन आते हैं तो याद रखिएगा, कौन कौन आता है प्यारे बच्चे। तो वैसे तो हम कह देते हैं कि इसके जो सिद्धांत का जो दिया है वो कोहलर ने दिया है, लेकिन इनके दो सहयोगी थे, कोहलर कोफका और वर्दीमीर। तो इनको भी आप याद रखेंगे, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वर्दीमीर, तो इनको भी आप याद रखेंगे। वैसे मुख्य रूप से कोहलर, लेकिन याद रहे कोहलर। अब देखिए अगर पूछा जाए बताइए कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, सूझ का सिद्धांत कैसे निकाला, तो चिंपैंजी जिसका नाम था सुल्तान, क्या नाम था, एक चिंपैंजी था जिसका क्या नाम था सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था, कोहलर ने प्रयोग किया था, और वहाँ से निकाला था कि व्यक्ति को चीज़ें बताइए मत, वैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करिए, व्यक्ति के अंदर एक अंतर्दृष्टि यानी एक सूझ होती है, एक अंतर्निहित सूझ होती है, सूझ यानी एक उसके अंदर एक तरीका होता है जिससे कि वो चीज़ों को खोज लेता है। ठीक है, अगर कहा जाए अधिगम सूचना का सिद्धांत किसका है, तो ये दिया था हमारे किसने, तो आप कहेंगे कार्ल रोजर्स ने, किसने दिया था, कार्ल रोजर्स साहब हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये कार्ल रोजर्स। आप जब इनको आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे सिद्धांत देते हुए मिलेंगे, तो इन्होंने अधिगम का सूचना सिद्धांत दिया है। तो फिर कहा जाएगा बताओ साइन लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया है, तो भैया साइन लर्निंग का सिद्धांत दिया है हमारे एडवर्ड टॉलमैन ने, किसने दिया है, साइन लर्निंग यानी आप बच्चे चिन्ह से कह, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है उसके सामने आप बिल्ली ले जाओ तो कहेगा कैट, कैट सी से कैट, कैट माने बिल्ली, यानी वो काहे से सीख रहा है, वो चिन्ह अधिगम से सीख रहा है। उसके सामने डॉग कहेगा डॉग है, डी फॉर डॉग है, अगर आप डॉल दिखाएंगे डी फॉर डॉल है, अगर आप एफ फिश दिखाएंगे तो कहेगा फिश से मछली होता है, या एफ फॉर फिश है, तो ये होता है साइन लर्निंग। इसको दिया है किसने, तो आप कहेंगे टॉलमैन ने दिया है, किसने दिया है, तो भैया टॉलमैन बहुत लंबा व्यक्ति था और बहुत लंबा दिमाग लगाता था कि बच्चे काहे से सीखते हैं, तो दिमाग लगाकर इसने बताया कि बच्चे भैया किसी और से नहीं बल्कि किससे सीखते हैं, तो ये सीखते हैं चिन्ह से। अब कहा जाए स्थानापन्न का सिद्धांत, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अगर स्थानापन्न यानी ट्रांसफ़र कर दिया जाए उससे व्यक्ति कैसे सीख रहा है, ये बताया था हमारे एडवर्ड गुथरी ने, किसने बताया, बताया एडवर्ड गुथरी। याद रखिएगा सिद्धांत बहुत पूछा जाता है कि स्थानापन्न का सिद्धांत या ट्रांसफ़र का सिद्धांत, ट्रांसफ़र कैसे होता है, एक जो ज्ञान है वो एक प्रकार का ज्ञान दूसरे प्रकार के ज्ञान में, जैसे आप मोटरसाइकिल चला लेते हैं तो मोटरसाइकिल चलाने में आपको मदद कैसे मिलेगी, इसे तो कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ट्रांसफ़र कहते होता है, ये बताया था हमारे एडवर्ड गुथरी ने। और अगर बात की जाए कि अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो हमारे हैं हेगरटी साहब, कौन है, हेगरटी,
क्या नाम है, हेगरटी। अब अंग्रेजी में भैया ऐसे ही नाम होते हैं। हेगरटी साहब ने क्या बताया, अनुकरण का, अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत बताया, अनुकरण द्वारा अधिगम का। इन्होंने कहा देखो बच्चा क्या है कि अनुकरण, जैसे बच्चा कहते हैं बंदर की तरीके होता है, जैसे बंदर है जैसा आप करेंगे वो वैसा करेगा, ऐसे बच्चा भी होता है। आप माता पिता भाई बहन जैसा, अगर आप उस बच्चे के सामने गाली देते हो गाली सीख जाएगा, अनुकरण द्वारा अधिगम है। अगर आप उसके सामने अच्छा बिहेवियर करते हैं अच्छा सीख जाएगा, और आप सभी दयालु हैं बच्चा भी दयालु बनेगा, ठीक है। फिर अगर कहा जाए कि बताइए शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत दिया, तो वो दिया था हमारे आसू बेल साहब ने। किसने दिया था, देखो हल अलग हैं और ये कौन है, ये हैं आसू बेल साहब। कौन है, आसू बेल। तो आसू बेल जो हमारे साहब हैं, इन्होंने दिया था हमको शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, यानी अधिगम कैसा, बोल बोल करके शब्दों के द्वारा अधिगम कैसे होता है। जैसे हम कहें बताइए किसका, तो आप कहें आसू बेल। मैं फिर से पूछूं किसका, आप कहेंगे आसू बेल। हम कहें शाब्दिक अधिगम किसने दिया, आसू बेल। जब आप तीन चार बार बोले प्यारे बच्चे, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें धीरे धीरे फीड होती जाती हैं, और आपका जो अधिगम है वो बहुत ही अच्छा होता जाता है। अगर आगे पूछा जाए कि बताइए अधिगम सोपान की सिद्धांत किसने दिया, तो रॉबर्ट गेने। याद करिए मैंने कहा था गेने साहब ने 8 प्रकार के सोपान दिए थे। सबसे नीचे क्या बताया था, संकेत अधिगम, और सबसे ऊपर समस्या समाधान। याद करिए 8 प्रकार के हुआ करते संकेत अधिगम, उसके बाद में ऐसे ऐसे करते करते समस्या समाधान। तो अगर कहा जाए बताइए सोपान की, सोपान की का मतलब होता है स्टेप्स, क्या स्टेप्स। तो इन्होंने अधिगम के स्टेप्स बताए थे, किन्होंने बताए थे, तो रॉबर्ट गेने। अगर आप अधिगम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको रॉबर्ट गेने, मैंने पढ़ाया हुआ है एक बार पढ़ लेना जा करके, रॉबर्ट गेने ने हमें बताया है कि 8 प्रकार से बच्चा लर्निंग कर सकता है, और उसमें उन्होंने सारे के सारे स्टेप भी बताए हैं। अगले की बात करें, अगला है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। ये देखो पूरी तरीके कोहलर का है। देखो अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म सिद्धांत में ये तीनों लोग थे, कोहलर, कोफका और वर्दिमीर, तीनों ने मिल करके प्रयोग किया था। लेकिन अगर कहा जाए अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, तो ये केवल और केवल कोहलर का है। किसका है, तो आप कहेंगे केवल और केवल कोहलर साहब का है। किसका, कोहलर का है। अगर कहा जाए बताइए समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप कहेंगे ये दिया है हमारे थॉर्नडाइक ने। देखिए थॉर्नडाइक को पिछले भी वीडियो मैंने बताया, ऐसे ही इनका बहुत बड़ा नाम नहीं हो गया, इसने बहुत कुछ लगाया है, बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ प्रयास किया है। तो कौन है, समान तत्वों का सिद्धांत है हमारे थॉर्नडाइक साहब का। किसका है, आप कहेंगे थॉर्नडाइक साहब का है। अगर आगे की बात करें, लिखा है सामान्यीकरण का सिद्धांत। देखो समान तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है प्यारे बच्चे, याद रखेंगे किसने दिया है। तो जो ऊपर जो हमने आपको बातें बताई मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोग बताइए क्या आपको ये सारी की समस्त बातें समझ में आई हैं। आपने अगर कहा जी समझ में आए, तो फिर आगे सुनिए। आगे है सामान्यीकरण का सिद्धांत, यानी जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन किसने दिया था। तो याद रखिएगा एक हमारी फैकल्टी है, कौन है, एक हमारी फैकल्टी हुई जो साइकोलॉजी की, जो फैकल्टी अमेरिकन फैकल्टी थी। देखिए फैकल्टी क्या होती है, फैकल्टी जैसे कि आप विद्यालयों में जाते हैं तो बीए फैकल्टी, एमए फैकल्टी, बीएड फैकल्टी, यानी वे सदस्य जो उस फैकल्टी या उस विशेष विभाग के बारे में बहुत अधिक जानकारी रखते हैं, उन्हीं के तो फैकल्टी कहते हैं। तो ये सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, किसी और ने नहीं दिया था, बल्कि फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी किसने दिया था, तो आप कहेंगे ये दिया था फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी, या साइकोलॉजिस्ट लिखो, क्योंकि फैकल्टी में कौन होते हैं, साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, तो भैया बहुत सारे व्यक्ति ही तो होते होंगे, फैकल्टी कैसे बनेगी, जब बहुत सारे उसमें व्यक्ति होंगे तभी तो फैकल्टी बनेगी। तो फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजिस्ट यानी साइकोलॉजी विभाग द्वारा दी गई थी। तो बताओ मानसिक शक्ति का सिद्धांत फिर किसने दिया था, तो आप कहेंगे इसको दिया है कोफका ने, वर्दिमीर और कोफका। देखो यहाँ पर कोहलर नहीं शामिल किए गए हैं, मानसिक शक्ति के सिद्धांत में कोहलर को शामिल नहीं किया गया, बल्कि वर्दिमीर और कोफका। तो याद रखिएगा इसको दिया है हमारे वर्दिमीर साहब एवं कौन, एवं कोफका साहब ने क्या दिया है, तो आप कहेंगे ये दिया है मानसिक शक्ति का सिद्धांत। उसके बाद लिखा है औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत, इसको किसने दिया है, तो याद रखिए एक गेट्स नामक वैज्ञानिक है। मैं बार बार पढ़ाता रहता हूँ आपको कि परिभाषा के नाम पर गेट्स और क्रो बहुत ज़्यादा फेमस हैं,
बताया है ना आपको? आप कहेंगे जी हाँ बताया है, तो याद रखिएगा ये फेमस इसीलिए हैं क्योंकि इन्होंने औपचारिक और इन्होंने औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत दिया है। इन्होंने कहा भैया देखो ऐसा है कि औपचारिकता निभाते हुए यानी फॉर्मल तौर पर अगर आप मानसिक प्रशिक्षण किसी को देते हैं तो वो ज़रूर सीखेगा। तो ये कौन है? तो ये है हमारे गेट्स साहब। कौन है? तो आप कहेंगे ये हैं गेट्स। कौन है? गेट्स। तो इतना बात समझ में आई सबको? अगर समझ में आए तो सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, जल्दी से करिए। कर लिया? अब देखिए आगे सुनिए, आगे सुनिए। एक है आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि का सिद्धांत जिसको सीएल हल ने दिया। हो गया? आप कहेंगे जी हाँ। देखो आगे की बात जरा सुनते जाओ। देखो सबको भैया याद आपको करना पड़ेगा, याद नहीं करेंगे तो आपका कोई भला नहीं कर सकता है। हम आपको पढ़ा सकते हैं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, बशर्ते पढ़ना तो आपको ही है भाई। सफल किसको होना है? आपको होना है। हम तो आपको रास्ता दिखा सकते हैं। देखिए आगे, अगर हम कहें बताइए आत्मसिद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा हमारे दिया है सी एल हल ने। कौन सा नंबर है? 13वां नंबर है। कहा जाए आत्मसिद्धि का सिद्धांत किसने दिया प्यारे बच्चे? कलम जरा बदलेंगे, ये दिया था हमारे सी एल हल ने। किसने? सी एल हल। देखिए एक एक मनोवैज्ञानिक है, वो एक से ज़्यादा भी सिद्धांत दे सकते हैं जरूर। जैसे कि थॉर्नडाइक तो हर जगह सिद्धांत देते चले जा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना केवल एक ही सिद्धांत दे सकते हैं। फिर देखिए मैंने सील गुण के हिसाब से आपको पढ़ाया था कि बताइए सील गुण के हिसाब से जो पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो एक है सील गुण उपागम, इसको दिया है कैटल व अल्पोर्ट ने। कौन है? हमारा है सील गुण उपागम। इसको किसने दिया है? तो आप कहेंगे दो व्यक्तियों का नाम बड़ा फेमस है, अल्पोर्ट। क्या नाम है? अल्पोर्ट साहब एवं कैटल। ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है। किसके ऊपर? आप कहेंगे पर्सनालिटी के ऊपर। अब सील गुण जो होता है ना, तो गुणों के आधार पर भी पर्सनालिटी होती है। कुछ गुस्सैल व्यक्ति होता है, कुछ कैसा होता है, बहुत ही नॉर्मल स्वभाव का होता है। याद करिए मैंने लिखाया था कि काला पित्त, पीला पित्त, सब ध्यान करिए मैंने आपको लिखाया था। तो यही वाला था, तो सील गुण के हिसाब से ही था। अरे समझ रहे हैं ना? अगर कहा जाए मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया था, 15वें नंबर में आपसे कहा जाएगा भैया बताइए कि मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया। तो आप कहेंगे भैया एक और नहीं बल्कि कौन है? अब्राहम मैस्लो। कौन है? अब्राहम। कौन है? तो आप कहेंगे अब्राहम मैस्लो। मैं आपको लिखने का ज़रूर समय देता हूँ एक बार हटके, ताकि आप लोग आराम से लिख पाएँ। आराम से लिखिए। कौन है ये? अब्राहम मैस्लो हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए भैया जीवन अवधि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? जीवन, देखो ध्यान से सुनिएगा, देखो कितने ऐसे ऐसे एक ऐसे ऐसे सिद्धांत है जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। इसका नाम है जीवन अवधि का सिद्धांत। जीवन अवधि का सिद्धांत बताइए इसको किसने दिया है? तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा इसको दिया है हमारे किसने? तो आप कहेंगे इसको दिया है एरिक एरिक्सन साहब ने। किसने? एरिक एरिक्सन, ऐसे लिख सकते हैं, एरिक एरिक्सन साहब ने इसको दिया है। कौन सा? जीवन अवधि का सिद्धांत दिया गया एरिक एरिक्सन साहब के द्वारा। ठीक है भाई, अगर कहा जाए सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम किसने दिया है? देखो सामाजिक संज्ञानात्मक, देखो अगर सामाजिक विकास का सिद्धांत जॉन डीवी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे। अब इसमें दोनों चीज़ें संज्ञानात्मक सामाजिक उपागम, समझ गए? लिखिए सामाजिक और संज्ञानात्मक दोनों को किसने? संज्ञानात्मक। अब यो तो लिखेंगे नहीं कि डीवी एवं प्याजे, अरे गलत हो जाएगा। उपागम किसने दिया है? तो एक बड़े बहुत बढ़िया नाम है अल्बर्ट बंडूरा। क्या नाम है? अल्बर्ट बंडूरा एवं उनके साथ में वाल्टर साहब भी थे। याद रखिए एक नाम है अल्बर्ट बंडूरा एवं इनके साथ कौन कौन मिल जाते हैं? वाल्टर इनके सहयोगी रहे हैं हमेशा, बंडूरा के साथ में सहयोगी के रूप में। कौन रहा है? आप कहेंगे वाल्टर साहब रहे हैं। तो देखो अगर सामाजिक विकास का सिद्धांत तो डॉन डीवी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो
जीन पियाजे, लेकिन दोनों को जोड़ दो, संज्ञानात्मक सामाजिक उपागम, तो किसने लिखा है? अल्बर्ट बंडूरा ने लिखा है। अगर आगे पूछा जाए बताइए कि शरीर गठन उपागम सिद्धांत किसने दिया है? ध्यान से सुनिएगा, 18वें नंबर पर कहा जाएगा शरीर गठन था है गठन उपागम सिद्धांत किसने दिया है? याद करिए, जब आप पढ़ रहे थे पर्सनालिटी तो आपने दो लोगों को पढ़ा था, किसको किसको पढ़ा था? तो आप कहेंगे सर जी हमने पढ़ा था क्रेसमर साहब और सेल्डन को। क्रेसमर और सेल्डन जो थे वो कहते थे कि गोलाकार चतुर्भुजकाल व्यक्ति, लंबकाय व्यक्ति और सुडौलकाय व्यक्ति, याद करो। अब बताओ सुडौलकाय है वो शरीर का गठन ही तो होता है, लंबकाय शरीर का गठन ही तो होता है, चौकोर शरीर का गठन ही तो होता है, तो गठन उपागम सिद्धांत किसने दिया? तो आप कहेंगे क्रेसमर एवं सेल्डन ने। किसने दिया? तो दिया ये क्रेसमर एवं, दूसरे पेन से लिखते हैं, इसको दिया है किसने? तो आप कहेंगे इसको दिया है सर जी क्रेसमर एवं सेल्डन साहब ने दिया हुआ है। किसने? क्रेसमर एवं सेल्डन ने दिया हुआ है। कौन सा सिद्धांत? तो आप कहेंगे शरीर गठन का उपागम का सिद्धांत किसने दिया है? सेल्डन एवं क्रेसमर ने दिया है, या क्रेसमर एवं सेल्डन ने दिया है। अगली प्यारे बच्चे बात कीजिए, व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत किसने दिया है? ध्यान से देखना, व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत, याद रखें व्यक्तित्व के ऊपर बहुत सारे सिद्धांत दिए अलग अलग लोगों ने, ठीक है। व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत, मांग माने वही जो होता है मांग पूर्ति, मांग पूर्ति, इस चीज की मांग बहुत ज्यादा है। तो ये कोई और नहीं बल्कि दो सहयोगी हैं, हेनरी एवं मुर्रे, हेनरी एवं मुर्रे साहब, हेनरी एवं मुर्रे साहब है जिन्होंने दिया है व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत। व्यक्तित्व की मांग बहुत होती है, हर व्यक्ति अपना व्यक्तित्व बहुत ही उमदा और बहुत ही अच्छा बनाना चाहता है, आप सभी ये बात जानते हैं। भाई आप खुद चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व ऐसा हो कि आपसे लोग अट्रैक्ट हों, आपसे लोग बात करने के लिए बेताब रहें, आपसे लोग क्या करें, बहुत ही बात करना चाहें। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल चाहते हैं। एक सिद्धांत है मात्रा सिद्धांत, जिसको लिखा है किसने दिया है? तो मात्रा सिद्धांत को दिया है हमारे थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? लास्ट है, क्या है? मात्रा सिद्धांत। अब देखो थॉर्नडाइक आपका पीछा कभी भी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं CDP या साइकोलॉजी, तो कभी भी थॉर्नडाइक को मत भूलिएगा, आपको हर जगह थॉर्नडाइक जरूर मिलेगा। क्या? हर जगह आपको थॉर्नडाइक जरूर मिलेगा। फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, 20 आपके प्रश्न पूरे हो चुके हैं और आपका समय भी हो चुका है। देखिए अब मैं पहले आपको कभी 12 क्वेश्चन कभी 10 क्वेश्चन ही कराता था, लेकिन अभी आपके मांग के चलते मैं एक वीडियो में आपके साथ में 20 प्रश्नों का डिस्कशन करूंगा और 20 प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से पढ़ाए जाएंगे और आप इनका नोट्स बनाते रहें और समझते रहें, बूझते रहें। एक बार स्क्रीनशॉट करिए, मैं अलग हट जाता हूँ, हो गया होगा। तो बच्चों आज यहीं तक इस वीडियो में करते हैं, अगला वीडियो जब आएगा तो हम अगली बार देखेंगे। तब तक के लिए बस एक ही छोटी सी गुजारिश हमारी रहती है आपसे कि आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आई बटन को दबा लें, बेल बटन को दबा लें, ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना होने पाएँ। और प्यारे बच्चे हम ये आपसे बस एक ही गुजारिश किया करते हैं कि आप हमें कमेंट कर फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि आप फीडबैक देंगे तभी तो हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। आपने फीडबैक दिया कि सर जी छोटा हो रहा है वीडियो, मैंने उसको बड़ा कर दिया, अभी आप दूसरा फीडबैक देंगे तो हम उस पर सुधार कर देंगे, या आप कह सकते हैं आपकी मांग के हिसाब से आपकी मांग की पूर्ति की जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपने घर पर सुरक्षित रहिए।